कैसे हैं आप लोग। आज है 6 दिसंबर 2023 और हम आ गए से गोरखपुर जू पे घूमने। सईद अशफाक उल्ला खां उनके नाम पे बना हुआ, यहीं पे आए हम लोग घूमने। बच्चे लोग भी आए हैं स्कूल टूर के लिए और बहुत लोग हैं। चलो भाई आओ, हम लोग जा रहे हैं अंदर। 10 रुपये टिकट लग रहा है गाड़ी का, हेलमेट का 10 रुपये, 2 हेलमेट था तो 30 रुपये लिया, 2 हेलमेट का और एक बाइक का 30 रुपये लगा। अब 50 रुपये लगेगा यहाँ पे अंदर घूमने के लिए एक आदमी का, तो 2 लोग हैं तो 100 रुपये का टिकट लेंगे, फिर अंदर घूमेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है अंदर, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे ATM भी है पंजाब नेशनल बैंक का और उधर सब हो रहा है सर। यहाँ खिड़की पर मिलेगा टिकट दो जाना। उठाओ यार, गिरा दोगे तो भगा देंगे। देखो चलो हो गया, टिकट मिल गया 100 रुपये का 2 आदमी का। आप अंदर चलते हैं, चेकिंग हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से चलते हैं अंदर। सिक्योरिटी चेक नक्शा है यहाँ पे। चलो, इसमें नहीं समझ में आएगा, मैप दिया होगा अंदर बैनर पे, इसमें आया होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वीडियो बनाना मना नहीं है। वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं कोई बोलेगा तो बंद कर देंगे, बस सिंपल सा है। अंदर घुस गए, अब इधर से जाना किधर है। अंदर वो अलग अलग टिकट लग रहा है क्या, अलग अलग चीज़ों के लिए? नहीं 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 नहीं, हाँ वो मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ खाने के लिए ले रहा है क्या। नहीं वो लेडीज से है, जिस नहीं होता है कुछ नहीं। काका टिल सब बैठे हुए हैं लाइन से, एक यहाँ नीचे में है काट रहा है लोहे को और सब उधर बैठे हुए। इसमें तोता है, इसमें क्या है, बस्कडी डक। अच्छा वहाँ है सब अंदर में जाली को जैसे बोलिए। हाँ है सब अंदर, वो चल रहे हैं। देसी तोता इस पर लिखा हुआ है, ये सबसे बदतमीज है, टी टी कर रहे, वो सब शांति से बैठे थे। ये बहुत हल्ला करते हैं। और इधर देखो लव वर्ड, हाँ उका साथ में बैठे हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो कोने में। तोता के जैसे ये भी है, ये तोता नहीं है सर, ये बजरी घर। एक्वेरियम बहुत, मतलब ये बहुत बड़ा है, इसमें घूमने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम नहीं घूम पाएंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है आज। टाइम था तो पहले 3 बजे वहाँ पे जाना है, 12 बज गया है, 3 बजे से एग्ज़ाम है मेरा, 12 तो बज गया यहीं पे, और हम घूम रहे हैं इसमें बस। हमको 2:30 बजे के बाद निकल जाना है, लगभग 2:40 पे निकल जाएंगे क्योंकि 10-20 मिनट का रास्ता है, या फिर 2:30 बजे निकल जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर इतना पहले आ करके भी लेट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। चलो इधर चलते हैं, इधर से जाना तो मना होगा, यहीं जाते हैं। हाँ ये देखो पानी वाला डक कैसे सो रहा है, ये वहाँ पे देखो कितना बड़ा है। चलो एक मिनट रुको, दिखा रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया से जूम करके, इतना बड़े बड़े हैं सब। गोरखपुर वो क्या है रे भाई, बनाया नहीं गया है, वो जिंदा है, देख रहे हो वहाँ पे, रुक जा, लग रहा प्लास्टिक का बनाया हुआ है लेकिन जिंदा है। अंदर में भी है सब ब्लैक ब्लैक। हेलो, एक वहाँ घूम रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो, देखो जूम कर रहा हूँ। वहाँ पे है भालू और एक यहाँ पे है, पास में बढ़िया दिख रहा है सब, कैमरे में पता नहीं कैसे दिख रहा है। सोया हुआ है यहाँ पे, उल्टा सोया हुआ है, काला कलर का।
ये तो लग रहा है मर गया, सोया है पैर फेंक के ऊपर, कैसे हिल रहा है कैसे पैर ऊपर किया है। अब उसको देख रहे हो क्या कर रहा है, उधर से बढ़िया दिखता ना वो आदमी जो है, पता नहीं कहाँ कैसे गया हूँ। उसको कुछ बीमारी हुआ है क्या, उसे कर रहे कोई प्रोसेसिंग होगा उसका। आने पे भोलू ये सब भाग जा रहे हैं दूर, ये दूसरा ग्राउंड, ये अकेले है क्या, अकेले है वो तो। हमको तो दिख रहा है सब कुछ, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इन सब का ग्राउंड बहुत बड़ा बड़ा है और उसमें सब घूम रहे हैं। ये हिरन है, बहुत है हिरन। चलो छोड़ो, ये मैप यहाँ का गोरखपुर का चिड़ियाघर गेट पे हम लोग को पहले दिखा मोर, फिर उसके बाद मुर्गा दिखा, फिर ये वो जो वॉक इन एवरी लिखा है ये दिखा, फिर बंदर सब दिखे अलग अलग वैरायटी का, भालू दिखे। हिरन के पास हम लोग आ गए हैं अभी, ये सब क्रॉसिंग करते हुए हम लोग को वहाँ गेंडे के पास जाना है। गेंडे से फिर ऐसे होते हुए क्या है, लेपर्ड है, फिर बाघ है मतलब टाइगर, फिर शेर है, फिर जेबरा है, फिर हिपोपोटेमस लिखा है, हिपोपोटेमस मतलब वो दरियाई घोड़ा है, फिर घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, ऐसे करके सब जाके फिर लास्ट में निकल जाना है। तो हम लोग अब जा रहे हैं घूमने, इधर से जाते हैं उधर से घूम के आ जाएंगे। आप भी कुछ बोल दो हमारे देखने वाले को, नमस्ते कर लो किसी को, हाय हेलो कुछ भी। देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ घुमा रहे हैं लोग, खूब ज़्यादा गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हैं, सब लेके आए हैं, बैठे हैं खूब जगह जगह चारों तरफ। अब कुछ मिला है हमारे मनपसंद का, मतलब कि बिना जाली का जानवर, देख रहे हो हिरन्स ऐसे रहता तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। जाली बना दिए सब, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। वाइट हिरन्स, चलो अब आगे चलते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। ये है पाड़ा, पाड़ा दो यहाँ घूम रहे हैं, बाकी सब उधर है। चलिए नज़रों से दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो हमें मिला है गेंडा देखने के लिए दो जोड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय गेंडा, राइनोसोरस यूनिकॉर्न, देखो मुँह कैसे चला रहा है। ओ माय गॉड, थोड़ा जूम करते हैं फिर थोड़ा पास में चलते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। हाथी से मोटा चमड़ी इसका रियल में है यार, हम तो पहली बार देख रहे हैं जिंदगी में। दो लोग हैं, ये है उधर, लेकिन इनका सिंगवा नहीं है। बस इससे आगे जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब इधर सिस्टम ख़त्म। अब इधर से चलेंगे आगे, अब आगे मिलेगा हमको लकड़बग्गा, इसमें है लकड़बग्गा, फिर आगे मिलेगा और मटेरियल। चलते हैं थोड़ी देर में, देखते देखते इसको देखने में मज़ा आ रहा है। हाथी जैसा, हाथी से ज़्यादा मोटा इसका चमड़ी है, लेकिन छोटा है हाथी से, देखो उसमें सोया हुआ है गुफा में। कि मतलब वीडियो में लगते हैं ये सब छोटे, ये रियल में तो कुत्ते से भी बड़ा है, कुत्तों लोग को तो चीर ही देंगे सर। लकड़बग्गा कहाँ बैठा हुआ है, सोया है, लिखा हुआ है डिस्टर्ब नहीं करना है, और हमको लग रहा है डिस्टर्ब करने से वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा क्योंकि उसको तो आदत होगी हमारे जैसे लोगों को देखने की। चलो आगे चलते हैं, भारतीय भेड़िया सामने, मतलब मुझे लग रहा है सियार। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ये वाले में, मोबाइल मेरा चार्ज ही नहीं है, नहीं तो मैं पूरा बनाता एकदम डिटेल में, सिर्फ शॉर्ट में बना रहा हूँ, बाघ को बनाएंगे, चार्ज बचा रहा हूँ उधर, अभी टाइगर और लॉयन मिलेंगे सर। रखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है साला, छुप गया है कहीं पे जाके। ये सियार जिसको हम लोग रोज़ देखते हैं अपने घर के सामने, इस पर लिखा हुआ उसके बारे में, इंडियन जैकल। गिद्ध देखो खा रहा है पेड़ के पत्ते को, कैसे चढ़ गया उतना ऊपर। एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ बांस काट रहा है। हिमालयन गिद्ध, और उधर देखो भाई शुतुरमुर्ग, उसमें शुतुरमुर्ग, इधर है गिद्ध, गिद्ध भी देख लिए हमने, शुतुरमुर्ग मुर्ग हमारे सामने है, दो दो। जल्दी से वीडियो बना लेते हैं नहीं तो भाग जाएंगे। देखे नहीं जाएंगे,
रियल में नहीं देखो इतने पास से, हमारे से कम ये कितना फुट पे है, 5 फुट की दूरी पे है ये, देखो 5 फुट का हम नहीं देखे हैं भाई, इससे कम देखेंगे, ये 5 फुट की दूरी पे है हमें लग रहा है यहाँ से, एक ये है वो है दो है सब शुतुरमुर्ग, इसके बारे में इस पर लिखा हुआ है लेकिन हटा दिया गया, ढक दिया गया, कितने खतरनाक हैं, मतलब गंदे लग रहे हैं सब। तेंदुआ का गुफा, इसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लंबाई नर 5 फीट 7 इंच, 5 से 7 फीट, मादा 5 से 6 फीट, वजन 40 से 90, 35 70, सबके बारे में दिया हुआ है, मैं भी पढ़ूंगा बाद में क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, उधर है क्योंकि वहाँ पर लोग रुके हुए हैं तो मुझे लग रहा है उसी साइड है, घर में घुसा हुआ है, चलते बोल भी रहा यार। ओह माय गॉड, दिख गया हमें, दिख गया, टाइगर नहीं है, अच्छा उसमें, अरे वाह उसमें टाइगर, इसमें है वो, देखो वहाँ घूम रहे, दरवाज़ा बंद कर दिया गया कि अंदर ना जाएगा, ये लेपर्ड है तेंदुआ, मैं आंखों से देख लूँ फिर बनाता हूँ वीडियो, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, नहीं बताओ तुम, दिख रहा था अभी उधर से दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ से कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, सो गया, घूम रहा था, हम लोग जब आए हैं ना तो वहाँ जाकर बैठ गया और आप आए हैं तो सो गया। इसमें वाइट टाइगर जो घूम रहे हैं अंदर जाली के, वाइट टाइगर हमें नज़रों से दिख रहा है, कैमरे में जाली दिख रहा है सिर्फ, छोड़ो बस, इसका हाइट है 8 से 9 फीट, 16 से 18 वर्ष, मांसाहारी, 100 से 120 के दिनों में बच्चा पैदा, चलो उधर बैठा है दिखाते हैं, पूरा शेर अंदर, बैठा है आराम से, इसके हाइट का अंदाज़ा तो आदमी उसी से लगा सकता है, वीडियो में जैसे भैंस का हाथ गाय का शिकार करते हैं, बड़ा है गाय जैसा लग रहा है, मतलब उसके जितना बड़ा है, उसके बारे में लिखा भी था उस पर, ये देखो सांभार, इसके बारे में इस पर लिखा हुआ है, इसके वहाँ बारहसिंगा में ला रहा, चलो इसके बारे में क्या लिखा है देख लिया जाए, देखो हमारे पीछे हमको लगे 1 2 3 4 चार, उधर 5 6 7 8 9 10, अरे यार बहुत हैं अंदर, अंदर बहुत हैं बहुत, अब चलो देखते हैं दरियाई घोड़ा, अरे वो रहा है, मैं किसी और चीज़ को किसी और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ है वो, देखते हैं इसमें ऐसे ऐसे हैं बहुतों का नाम ही नहीं पता है, किसी और का किसी और नाम बता रहा हूँ, किसी और किसी और, जबकि लिखा हुआ है अच्छा दरियाई घोड़ा ये वाला है, उधर जो बोल रहा था मैं दरियाई घोड़ा नहीं था वो कुछ और था, पता नहीं क्या था, नाम नहीं पड़े उसका, चलो देखो वहाँ सोया है लाल का, इन इन सब का आंसू पता है कैसा आता है, पिंक, ये लोग रोते हैं ना, चलो इसके बारे में इस पर विशेष गुण, वहाँ पे सोया हुआ है, दो लोग इधर है, मुझे लग रहा है उधर ही जो था मेल है क्योंकि इन सबसे बड़ा है, इधर वो जो बड़ा दिख रहा है फीमेल है, या जो छोटा है उसका बच्चा है, तीन हो गए हैं सब, प्रजनन इनका इन सब का भी है, खड़ा हुआ है उसका बच्चा, काट रहा है उसको, प्यार दिखा रहे हैं मम्मी को अपने, अच्छा लग रहा है ना, जब तो उठाएगा तो मानेगा नहीं।
अब खड़ा करके मानेगा मुझे लग रहा है। हाँ उठ जा उठ जा, वो तो और सो गया, और सो गई छिट। अब जाकर उधर से दूध पिएगा मुझे लग रहा है। पर ये कितना गंदा बसा रहा है ना। देखिए कहाँ सोया है वो, लग रहा है लकड़ी रखा हुआ है वहाँ पे। एक थोड़ी एक तुलसी एक पानी में है वहाँ पे। लेकिन पोजीशन में है सर। कोई को और दिखेगा मछली है नहीं हम बाबा भाई। अब चल के इधर ले लो सी कौन ये बड़का या छोटे के। दुकान बड़का चल के और चल के पूछ के आ लो। हां असली है असली है असली है। ले चल के मारो जरा सही में मार के चला के। कितना वो उठ रहा है पानी में बुलबुला। वो सब इसके बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। इतना बड़ा बड़ा मगरमच्छ देखो, सबसे बड़ा वही है ये, सबसे बड़ा है ये। तो सब छोटे छोटे सब हैं। इंसान सोएगा उसके सामने ना तो छोटा पड़ जाएगा। अभी आँख पल रहा है और चींटी घूम रही है उसके सर पे। कोई भी घूमता है नहीं सर पे। सांप, चलो चलते हैं देखने। एंट्री होगा अंदर। ये कोबरा है नाजा नाजा और दो है बैठे हुए पत्थर। ये भाई इसको भी मुंह निकाला हुआ है देखो, यहाँ दिख रहा है। हाँ इसमें 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 हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा आँखों से दिख रहा है पता नहीं इसमें। हाँ दिख तो रहा है इसमें। चलो जो पास लोग टाइम मिल जाएंगे चल भी रहा है। ओ भाई देखो ना लकड़ी के नीचे, एक नीचे वहाँ है लकड़ी खतरनाक। वो वाला चल रहा है वहाँ जो पत्थर पे, एक चल रहा है एक चल रहा है। देख रहे हो पेड़ और बनाया गया है कि इस पर चढ़ेंगे लकड़ी के घुसेंगे उसके। ये तो कुछ नहीं है इससे बड़ा मैं देख रहा हूँ, इससे बड़ा मैं देख रहा हूँ। मामा के अपने नदी नदी किनारे हाँ बहुत कुछ खा गया था उसको। ये तो छोटा है मतलब उससे छोटा है, दो लोग हैं लगा मुझे। ये क्या था भाई भाग के बने क्या घर दो इसका काम बन जाए। अजगर नहीं कुछ कर पाएगा इसका। चलो 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 सही लिखा जी जितना Thank you.
बड़ी है ये मछली है, सबसे बड़ी इन लोगों में। इसमें कुछ है ऊपर भी दिखाया गया पक्का 10 साल से ब्लैक मांग रहा है। ये हवा में भी सांस ले सकती है मछली, सुरिखा हुआ है। अरे तो यही है ब्लैक वाला है, देखिए नीचे ऐसे लग रहा है ना, सारी मछली लग रहा है रूई से बनाया गया है। ये कैसे ठोकर मार रहे नीचे, बट ये सब असली है। शार्क, शार्क उसी को बोलते हैं। अरे बड़ी शार्क रहेगी तो हाथी को खा जाएगी। नहीं हाथी को तो हैवेल खाती है, वेल वेल शार्क भी बहुत खतरनाक होते हैं। आगे नदियों में 10 साल जीती है। अरे भाई ये देखो ना कितना बड़ी है, क्या वो कितना बड़ी है वो। हाँ सब लग रहा है रूई है वो मछली। ये मछली है पाकुर, पाकुर पाकुर 8 साल जिएगी। इसके तेज दांत होते हैं, काटती बहुत खतरनाक। ये लग रही है थी है, क्या बोलते हैं लकड़ी फिर वो मछली क्या वो 15 साल जिएगी। 300 सेंटीमीटर लंबाई दिखता है। और आगे चलो 10 साल इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसी धरे टाइगर बॉर। चलो आगे चलो, छोटे मछलियों को मत दिखाया करो। इसको देखो, इसको 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 शीशा में चिपक गया है, चल रहा है ना पास में करो ना। इस मछली को खाया नहीं जाता। इस इनको बाला शार्क भी कहते हैं। इनकी आकार और रफ्तार के कारण इनको शार्क की उपाधि मिली है। नाक लग रहा है ये भाई, ये वाला वैसे बात करो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये वाला नहीं ये वाला। ये पता है क्या कर रहे हैं, मैं तो ये जितनी मछली है ना सब उस शीशे में खुद को देख रहे हैं। देखो आगे पास देखो ऐसे, तो शीशा में सब खुद को देख देख करके खड़ी हैं। उधर सामने इन्हीं सबका चेहरा दिख रहा है। इधर वाले भी ऐसे ही देख रहा है, इधर से और ज्यादा दिख रहा है। देखो देखो वो भाई, इन लोग पोंछ कितना अच्छा है। टाइम है हमारे पास, लेकिन इसमें पूरा ठंडा रखा गया है।
प्लस वाले में एक दो बच्चे हैं। अब इसके बाद तो हेलो गाइस, घूम रहे हम लोग गोरखपुर चिड़ियाघर में है हम लोग। ठीक है, देखिए भाई साहब, बैटरी बैटरी बैटरी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट। नौका बिहार हुआ ना गोरखपुर। पूरा नदी मतलब नदी नहीं है, गढ़ा है जिससे पानी लगा हुआ, ये ऐसे ही रहता है। इसमें सब क्या आता है, गटर का पानी, गोरखपुर जितना मतलब कि नाले नूले का पानी सब इसमें आता है। जो जलकुंभी का सब निकाल दिया गया, वोटिंग हो रहा है वहाँ पे, वहाँ भी वोटिंग हो रहा है।